नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़। मैं हूं राजन सिंह। आज फिर एक बड़ी खबर को लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो परिवहन के जो साइट हैं वो हैक हो गया है। साइबर ठगों ने इस साइट को हैक कर लिया है और इसके बाद से यहाँ पर जो ऑनलाइन सेवाएं हैं कहीं ना कहीं बाधित हो गया है। जो आप ऑनलाइन जो टिकट जो खरीदते थे वहाँ भी सेवाएं ये बंद हो गई है। क्या मंशा रहा है जिस तरह से ये हैक किए हुए हैं साइबर ठगों ने, इतनी बड़ी जिस तरह से परिवहन निगम का ये साइट है उसको हैक कर लिया है, सारे काम यहाँ पर बाधित हो गया है। जो प्रबंधक हैं उनको निर्देश दिया गया है इन सब चीज़ों पर जाँच के लिए। हालाँकि इस पूरे बिंदुओं पर जांच हो रही है लेकिन अभी मैन्युअली काम हो रहा है। जो परिवहन सड़क निगम की जो साइड है, आखिर में कैसे जो है साइबर क्राइम के जो ठग हैं वो कैसे इसको ठग के और इसको हैक कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आखिर में ये किसकी लापरवाही रही है कि इतने बड़े क्राइम को इस तरह से अंजाम दिया है साइबर ठगों ने। किसी तरह जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था की लापरवाही रही है, किस तरह से आखिर में साइबर सेल क्या कर रहा है, किस तरह से इन्होंने आखिर में ये सेवाओं को जो है ठग कर और इसको हैक किया है, क्या इनकी मंशा रही है, ये देखने वाली बात रहेगी। इन सभी बिंदुओं पर अभी फिलहाल जांच है हो रहा है लेकिन सड़क परिवहन निगम की जिस तरह से ये साइट हैक हुई है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि किस तरह की आखिर में सिक्योरिटी व्यवस्था रही है इन साइडों पर। जिस तरह से सरकारी जो साइडें रहती हैं उन पर तमाम सब सिक्योरिटी व्यवस्था और साइबर सेलों की नज़र रहती है लेकिन ये साइड कैसे हैक हो जाता है और इस हैक के पीछे क्या मंशा रहता है उन लोगों का, ये अभी सवाल उठ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जांच चल रहा है और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की जिस तरह से साइट हैक हुई है इसमें खलबली मच गया है विभाग में कि ये आखिर में कैसे संभव हो पाया है। फिलहाल अभी इस सेवा अभी बाधित है, लोग मैन्युअली इसका जो भी है इसमें आप देखेंगे कि अगर आप जाते हैं बस स्टैंड पे तो आप जैसे ऑनलाइन टिकट लेते थे वो सारी सेवाएं अभी बंद हो गई हैं। मैन्युअली आपको पूरा सेवाएं दी जा रही हैं लेकिन इस पर पूरा इन बिंदुओं पर जांच चल रहा है कि आखिर में किन कारणों से ये हैक हुआ है, क्या यहाँ पर लूज पॉइंट रहा है जो कि साइबर ठगों ने इतने बड़े साइट को हैक कर लिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK24x7 न्यूज़।